इस सुनैना अधिराज के साथ मिलकर क्या करने जा रही है? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस जंगल और गांव को छोड़कर चले जाओ। हमें एक दूसरे का त्याग करना होगा। हम जीत गए अधिराज, हम जीत गए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो महल चलो हमारे साथ। हमें भी कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं खुद जाकर ढूंढूंगी उन दोनों को और आज मैं सुनैना को जलाकर राख कर दूंगी। ये अंबे माँ का संकेत है अधिराज। अब तो मान लीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप चाहे कितना भी मना कर दे पर सच्चाई यही है कि मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर है। लगता है वो राक्षस आ रहा है। तुम अपनी बहन को लेकर निकलो यहां से और तुम भी इनके साथ जाओ। हम देखते हैं इस राक्षस को। नहीं अधिराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी लड़ूंगा उस राक्षस से। नहीं, तुम्हें अपनी बहन को संभालना है। उसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाओ और वो तीर कमान मुझे दे दो। जल्दी निकलो। हमें कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुनैना अधिराज के साथ मिलकर क्या करने जा रही है? कहीं वो पहेली का उत्तर तो नहीं ढूंढ रही? इससे पहले कि सुनैना अधिराज के साथ मिलकर हमारी योजना को असफल कर दे, हमें इसकी सूचना सर्पिका को देनी होगी। हुआ तेरा आक्रमण, हम तेरा काल बनकर आए हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस जंगल और गांव को छोड़कर चले जाओ। वैसे तो हम किसी की जान लेने के पक्ष में नहीं होते, चाहे वो मानव हो या दानव, किंतु ये हमारा राज्य है, यहाँ की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे लेनी, चले जाओ यहां से। सुनो ना, तुम ठीक हो ना? आ!
आज। अधिराज। सुनो, ये बहुत शक्तिशाली है। इससे लड़ने के लिए हमें बल नहीं, उसके साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। हमें एक साथ लड़ना होगा, सुने ना। अधिराज, मेरे पास एक योजना है। आप इसका ध्यान भटकाने का प्रयास कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तुम तैयार हो? जी। उधर जाओ तुम। सुने ना, ये बहुत शक्तिशाली है, इसे पराजित करना संभव नहीं है। हमेशा मत कर देना, सुने ना, आज हमारे कारण तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। अधिराज, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे कि मैं आपको यहाँ लेकर आई और आप इस परिस्थिति में। पर देख लेना, अम्बे माँ हमारी सहायता जरूर करेगी, वो हमेशा हमारे साथ है। हे अम्बे माँ, हमारी रक्षा करो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसने हमें देख लिया, सुना, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। जय मां अम्बे, जय मां अम्बे। जीत गए अधिराज, हम जीत गए। अंबे माँ के सारे दूतों को धन्यवाद। अंबे माँ आप धन्य हो। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस अवश्य दिलवाएंगे। राजा साहब, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने उस राक्षस के आतंक से हमें बचाया। धन्यवाद राजा साहब, धन्यवाद रानी साहब। राजा साहब की जय, रानी साहब की जय। राजा साहब की जय हो, रानी साहब की जय। पहली बात, ये हमारी रानी नहीं है, और दूसरी बात, आप लोग ये जय जयकार करना बंद करो। आप सबको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए।
कि आपने एक निर्दोष लड़की को अपशकुनी कहकर उस दानव के सामने मरने छोड़ दिया। क्षमा कीजिएगा राजा साहब, पर सच तो यही है कि इसके कारण इतना भयानक और खूंखार राक्षस हमारे गांव में आया। वो तो भगवान की दया है कि आप आ गए, नहीं तो वो राक्षस हम सबको मार देता। फिर तो सोचने वाली बात ये भी है कि अगर ये लड़की मनहूस होती तो इसके रहते क्या आप सब जीवित रह पाते और वो राक्षस मारा जाता। मनहूस है ये, कलंक है ये, मनहूस है ये मनहूस है, मनहूस है ये। हे अंबे मां, कैसे समझाए इन्हें? अब किसी ने भी इसे अपशगुनी कहकर पुकारा तो हम उसे कठोर दंड देंगे। किस किस को दंड देंगे आप राजा साहिब? आज आपके दंड के डर से ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके मन में जो मेरे प्रति घृणा है उसे कैसे खत्म करेंगे आप? ये लोग आपकी तरह मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे राजा साहिब। पूछिए इनसे, क्या इनमें से कोई भी मुझे अपने घर की बेटी या बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगा? देखिए ना कैसे चुप हो गए सब। राजा साहिब, आपने उस दानों से तो मुझे बचा लिया, लेकिन इनकी दानवी सोच से नहीं बचा सकते राजा साहिब। मेरा मर जाना ही अच्छा है राजा साहिब। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मैं मनहूस हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं बेला, ऐसा मत करो। आपके एक गलत निर्णय ने मुझसे सुहागन बनने का सपना छीन लिया राजा साहिब। मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। हम करेंगे तुमसे विवाह। तुझे अधिराज को रोकना होगा। जा समझा उसे, कल हर हाल में तेरा अधिराज से विवाह होना जरूरी है, वरना सब खत्म हो जाएगा। जा। अधिराज, तुम यहां? कौन सी चाल चल रही हो तुम हमारे साथ? चाल मैं नहीं चल रही, वो मोहिनी चल रही है। ये सब झूठ है। हम करेंगे तुमसे विवाह। तुम ही काली शक्ति हो। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर भरोसा कर लेंगे? इस बार नहीं। हमारी याद आ रही है? अधिराज, वो मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी। आज तक उस लड़की को सब मनहूस कह रहे थे, पर आज वो अपने भाग्य पर इतरा रही होगी ना। ऐसा तो होना ही है, आखिर उसका विवाह एक राजा के साथ होने जा रहा है। अब तेरा क्या होगा सुनैना? क्यों फंस गई ना इस पहेली में? अधिराज को फंसाने के लिए पहेली सुलझा रही थी, पर अब तो वही तेरे हाथ से निकल गया। बहुत बुरा लग रहा है ना? नहीं, मुझे तो अभिमान हो रहा है अपने अधिराज पर। उन्होंने एक लड़की की जान बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। भले ही मैं उदास हूँ, पर निराश नहीं। और अब उस पहेली का क्या? बहुत कम समय बचा है अब तो।
पहेली सुलझानी है। बहुत कम समय है मेरे पास। उस पहेली का उत्तर ढूंढने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। अधिराज, जैसे ही मुझे पता चला सुनैना दासी आपको अगवा करके महल से भाग गई है, वैसे ही मैं महल से तुरंत निकल गई आपको बचाने के लिए। पर जब यहाँ पहुंची तो आप, अधिराज ये सब क्या है? आप उस लड़की से विवाह के लिए कैसे राजी हो सकते हैं? अधिराज आपका विवाह मुझसे होने वाला है ना? हम जानते हैं मोहिनी कि हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती और उसकी इस बर्बादी का कारण होता हमारा निर्णय जिसे उन लोगों ने गलत समझ लिया था। मोहिनी तुम जानती हो वो लड़की खुद को क्षति पहुंचाने वाली थी और हमारे कारण किसी का जीवन बर्बाद हो ये हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आप ही क्यों इस पर? अधिराज क्षमा कीजिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप ही क्यों? इस राज्य में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, आप बस एक बार आदेश दे देते, कोई भी उससे विवाह के लिए राजी हो जाता। हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारे एक आदेश पर उससे कोई भी विवाह कर सकता था, किंतु वो विवाह नहीं उसकी विवशता होती। हम किसी को भी विवश नहीं कर सकते मोहिनी। इस पूरे राज्य में कोई भी उससे हृदय से विवाह नहीं करना चाहता है, सब उसे मनुष्य समझते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पर मेरा क्या? मैंने तो आपसे प्राणों से अधिक प्रेम किया है ना? आपके साथ विवाह का स्वप्न सजाए और हमारा विवाह होने वाला है वो भी कल। धीराज, ऐसे में किसी और के साथ विवाह के लिए मैं आपको कैसे सहमति दे दूं? प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है त्याग, जिसका उदाहरण हमने कल दरबार में भी देखा। मोहिनी, हमें एक दूसरे का त्याग करना होगा। ठीक है धीराज। मोहिनी, तुम्हें हमारे निर्णय का सम्मान करना होगा। ठीक है धीराज। हम जानते हैं कि तुम इससे बहुत आहत हुई हो, किंतु तुम्हें हमारा साथ देना होगा मोहिनी। अधिराज, मन तो करता है खुद अपनी हाथों से उसका गला दबा के, पर नहीं कर सकते। बहुत प्रेम करती हूं मैं उससे, पर इस जंगल को जलाकर तो राख कर सकती हूं ना? एक तर्पिका, उससे क्या हासिल होगा? इस समय हमारी परेशानी ये जंगल नहीं, अधिराज का विवाह है। इसलिए हमें बहुत शांति से ये सोचना होगा कि उस मनहूस लड़की का विवाह अधिराज से कैसे रोका जाए और उस सुनैना को हमारे रास्ते से कैसे हटाया जाए। समझी? मैंने सोच लिया है, उस सुनैना के साथ साथ इस गांव के हर एक इंसान को मैं अपने हाथों से मार दूंगी, फिर मेरे और अधिराज के बीच कोई नहीं होगा। नहीं, हमें सिर्फ उस मनहूस लड़की को मारना होगा, फिर ना रहेगी वो, ना होगा ये विवाह। ये सुझाव पहले क्यों नहीं दिया? इतनी देर से मैं क्रोध करके अपनी शक्ति व्यक्त कर रही थी। ये अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। मेरी पांचों काली शक्तियां प्रकट हो। ओ, 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 ओ,
मनोज बेला को मार दो, पर याद रहे मेरे अधिराज को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। जाओ। मुझे हर हाल में जीतना है, हमें हर हाल में मणि की शक्ति प्राप्त करनी है। हमें क्षमा कर दीजिए राजा साहब, हम आप जैसे महान इंसान की हत्या करना चाहते थे, पर आपने तो मेरी बहन का जीवन ही बदल दिया। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये अचानक से मौसम को क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो? बस इतना कहना चाहती हूँ, एक प्रजा होने के नाते मैं अपने राजा साहब के निर्णय का सम्मान करती हूँ, और परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। किंतु तुम कह रही थी कि तुम हमारी पत्नी। इस सुनैना दासी ने काल कोठरी से भागकर और आपका अपहरण करके बहुत बड़ा अपराध किया है राजा साहब, इसे दंड दीजिए। आज इसके कारण हमारे सर पर कलंक लगने से बचा है, हम इसे दंड कैसे दे सकते हैं? हम तुम्हें क्षमा करते हैं सुनैना। तुझे तेरा प्रेम अभी मिला कहाँ है? अभी तो तुझे पहेली के उत्तर देने हैं। चल बता उत्तर, ऐसा क्या है जिससे दुनिया के बड़े से बड़े अपराध का दंड भी आसान लगने लगता है?